तो फाइनली गाइस कैरम पूल में जो है 2 दिन बाद से 2 न्यू इवेंट स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ गाइस, 2 दिन बाद से 2 न्यू इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आप लोगों का अभी दिखा देता हूँ कि कौन सा इवेंट है। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन शॉट बनांजा और उसके बाद जेम्स गाला। तो जेम्स गाला तो पहले भी आ चुका था और गोल्डन शॉट बनांजा भी एक बार आया हुआ था। जी हाँ गाइस, तो चलिए अभी हम लोग जो है इसको टाइम जम्प करते हैं और टाइम जम्प करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिवार्ड आप लोगों को मिलने वाला है। और गाइस सच में बताऊँ, एक ये जो कलेक्टर्स जर्नी और उसके पहले जो एक न्यू इवेंट आया था, दोनों इवेंट एकदम बेकार था क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई इमोजी, ना अवतार, ना स्ट्राइकर, ना कुछ अच्छा अच्छा बॉक्स दिया था, कुछ भी नहीं दिया था मिनीक्रीम ने। लेकिन ये इवेंट अगर आप लोग देख लोगे ना, मतलब बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा रिवार्ड यहाँ पर मिनीक्रीम दिया है। तो यहाँ पर देख सकते, मैंने 24 नवंबर कर दिया और 2 दिन आगे बढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए 2 दिन आगे बढ़ा लिया। तो अभी जो है कैरम पूल में चलते हैं और आप लोगों को इवेंट दिखा देता हूँ कि क्या मस्त इवेंट आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो जब तक ये कैरम पूल ओपन हो रहा है, तब तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी कैरम पूल रिलेटेड अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जेम्स गाला पे एकदम देख सकते हो अवतार प्रेस्टीज, उसके बाद इमोजी ऑन प्लीज़, देख सकते हो कितना मस्त मस्त यहाँ पे रिवार्ड मिनीक्रीम दिया है। लेकिन पिछले वाला जो 2 इवेंट था एकदम बैकवास था, लेकिन ये दोनों इवेंट बहुत ही अच्छा किया है मिनीक्रीम ने। तो यहाँ पर देख सकते हो इमोजी ऑन प्लीज़, एंड यहाँ पर आप लोग बॉक्स से बहुत कुछ एपिक स्ट्राइकर का पॉइंट भी पा सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लोग एक जेम यहाँ पे वेस्ट करोगे तो 1 पॉइंट आप लोगों को मिलने वाला है। गाइस आप लोगों को याद है पिछले बार जब जेम्स गाला इवेंट आया था, उस टाइम पे किसी की साइड में 4 पॉइंट, किसी की साइड में 5 पॉइंट भी दे रहा था। तो उन लोगों का 200-300 जेम्स में भी काम बन जाएगा जिसका लेवल छोटा है। तो गाइस अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो बॉक्स यहाँ पर मिनी क्लिप दिया है, तो ये सारा बॉक्स को आप लोगों को दिखाता रहा हूँ। तो सबसे पहले मुंबई का था, उसके बाद कायरो का है, उसके बाद न्यूयॉर्क का है। और गाइस यहाँ पर जो बॉक्स है ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो अवतार, और यहाँ पर गाइस देख सकते हो सिंगापुर प्लाजा का गोल्डन चेस्ट। जी हाँ गाइस, जिसको हम लोग मतलब इसको पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितने सिंगापुर का मैच खेलते हैं, फिर भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अवतार और इमोजी तो है ही, लेकिन उसके बाद न्यूयॉर्क एंड मस्ट प्रोबेबली मतलब सिंगापुर का चेस्ट है। तो मतलब आप समझ सकते हो किसी जिसका आईडी में तूफान माई ओपन नहीं है, यहाँ पर ओपन होने का काफ़ी अच्छा चांस है। और लास्ट में देख सकते हो ये जो इमोजी है, ओ प्लीज़, इसका नेम है ओ प्लीज़। ठीक है, तो 1000 पॉइंट कंप्लीट करोगे तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल मेरा आईडी पे 1 पॉइंट दिखा रहा है, तो टोटली मेरे को 1000 जेम्स यहाँ पे वेस्ट करना पड़ेंगे। जी हाँ गाइस, और गाइस नेक्स्ट इवेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ, गोल्डन शॉट बनांजा। तो इसको स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस, एक न्यू स्ट्राइकर आप लोगों को मिलने वाला है। इसका नेम है जूस या फिर जूस, जो भी बोलते हो। और यहाँ पर जो है लकी शॉट एंड गोल्डन शॉट आप लोग प्ले करोगे तो उसके माध्यम से पॉइंट पाओगे। और ये जो ब्रांड न्यू जूस टाइगर है, इसको आप लोग फुल मैक्स भी कर सकते हो। जी हाँ गाइस, फुल मैक्स क्यों बोल रहा हूँ, उसका प्रूफ भी मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए बने रहे वीडियो पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, चलिए मैं लेट्स गो पे अभी क्लिक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि कैसा इवेंट है। तो देख सकते हो गाइस, पिछले बार भी यही रूल्स आया था। और हिट सेंटर इन गोल्डन शॉट 300 पॉइंट आप लोगों को मिलने वाला है। लकी शॉट का अगर मिडिल पे मतलब सेंटर फिट करोगे तो 100 पॉइंट। तो आप लोग रूल्स पढ़ सकते हो, रूल्स उतना हार्ड नहीं है। आप लोगों को एकदम मिडिल में जब लगाओगे तो ज़्यादा पॉइंट्स आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर आप लोग ऐसे ही गोल्डन शॉट खेलोगे तो 50 पॉइंट, और ऐसे ही एक सिंपल लकी शॉट खेलोगे तो 20 पॉइंट मिलने वाला है। तो गाइस अभी आप लोगों को रिवॉर्ड में दिखा देता हूँ। सबसे पहले 2000 कॉइन्स है, उसके बाद यहाँ पर 2 पीस है स्ट्राइकर का। जी हाँ गाइस, और गाइस ये स्ट्राइकर किसके तरह लग रहा है मैं बताऊँ, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसका देख सकते हो फोर्स एम बहुत ही कम है। और गाइस ये जो स्ट्राइकर है ना, ये मतलब पिछले बार भी ऐसा ही एक स्ट्राइकर आया था, प्रोटो नाम था। जी हाँ गाइस, उसका नाम था प्रोटो। तो प्रोटो ही स्ट्राइकर है, लेकिन इसका कलर मिनी क्लिप चेंज कर दिया है। जी हाँ गाइस, और यहाँ पर देख सकते हो 100 पीस, 138 पीस, और लास्ट पे एक अवतार है। तो गाइस मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा था कि इसको आप लोग फुल मैक्स कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट पे 100, 150 पॉइंट ऐसा दे रहा है। तो मतलब बहुत सारा पॉइंट है ये रेयर स्ट्राइकर के लिए या फिर एपिक स्ट्राइकर के लिए। तो ये जो है इजीली मैक्स हो जाएगा, 7-8 बार जितना भी वहाँ पर बैनर पे शो कर रहे थे। तो टोटली इसको अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो ईजिली जो है ये मैक्स हो जाएंगे और स्ट्राइकर भी मैक्स हो जाएगा। जी हाँ गाइस, और गाइस यूट्यूब में सबसे पहले मैं ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया इस इवेंट्स के बारे में, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, अभी तक क्या कर रही यार। आप लोगों के लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ सबसे पहले, तो इसीलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ये इवेंट जो है 2 दिन बाद से स्टार्ट होने वाला है, सुबह 5:30 बजे, और ये इवेंट रहेगा, चिंता मत करना, 5 या 6 दिन ये इवेंट रहेगा, आप लोग इसीलिए कंप्लीट कर सकते हो। और गाइस मेरे को जितना तक लगता है कि जो डेली जो फ्री रिवॉर्ड्स मिलता है वहाँ पर मिनी क्लिप एक लकी शॉट जो है ज़रूर ऐड कर देंगे, और आप लोग यहाँ पे इसको फुल मैक्स भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटली, हाँ 8 बार इसको आप लोग मैक्स भी कर सकते हो अगर वो इवेंट को टोटली कंप्लीट करोगे तो। और यहाँ पे नीचे पे जैसे कि मैं बोल रहा था एक लकी शॉट भी दे सकता है 2 दिन बाद से, ठीक है। तो टोटली 2 लकी शॉट आप लोगों का हर दिन मिलने वाला है, तो वहाँ से आप लोग इसको मैक्स करने का ट्राई करने का कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।